तो ये कहानी है रमेश की, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था। पूरा स्कूल उसे हिटलर के नाम से जानता था। बहुत ही सख्त स्वभाव का था वो। पिछले एक साल में उन्होंने स्कूल में अपनी ऐसी इमेज बना ली थी कि सब बच्चे उनके नाम से डर जाते थे, और जो भी पढ़ाई नहीं करता था उसे वो स्कूल हॉस्टल की लाइब्रेरी में पढ़ाने की सजा दिया करते थे। वहां का लाइब्रेरियन रमेश को फोन करके सब बच्चों की खबर दिया करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। रमेश जिस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था, वहां मंजू नाम की लड़की काम करने आया करती थी। मंजू बहुत बातूनी और चहलचाल वाली 20 साल की एक लड़की थी, लेकिन जब से वो अपने गांव से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद से वापस आई थी, तब से उसका बर्ताव बहुत बदला हुआ था। शाम होते ही मंजू का काम में मन नहीं लगता था और वो घर की छत पर चली जाती थी और थोड़ी देर बाद नीचे वापस आ जाती थी। रमेश की पत्नी सीमा ने जब रमेश को मंजू के इस बर्ताव के बारे में बताया, तो उसने सीमा से उसका पीछा करने के लिए कहा। तो अगले दिन जब मंजू छत पर जाने की इजाजत मांगने आई, तो रमेश घर पर था। उसने उसे तुरंत इजाजत दे दी और मंजू के छत पर जाने के बाद रमेश भी धीरे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे छत पर चला गया। रमेश जब छत पर पहुंचा तो देखा कि पूरी छत खाली पड़ी थी और मंजू का कहीं नामो निशान नहीं था। रमेश सोचने लगा कि कहीं मंजू ऊपर आने के बहाने कहीं और तो नहीं चली जाती। तभी उसके कानों में एक अलग आवाज आने लगी। वो उस आवाज को सुनते हुए उस आवाज तक पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने छत की रेलिंग से नीचे झांक कर देखा, तो मंजू नीचे वाले छज्जे पर बैठकर बातें कर रही थी। वो भी एक नहीं, दो दो आवाजों में। ये देख रमेश के गले से आवाज भी नहीं निकली और फटाफट नीचे आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताने आ गया। और जब वो ये बातें बता ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से मंजू बाहर निकली। फिर रमेश की बीवी हंसते हुए बोली, रमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या शायद तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन रमेश को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने जो छत पर देखा वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये भी सच था कि मंजू बाथरूम में से उसके सामने ही निकली थी। अब क्या सच और क्या झूठ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था रमेश के लिए। अब वो सोने चला गया था। रोज के मुकाबले आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, ऊपर से लाइट भी गई हुई थी। रमेश अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया और फ्रिज से पानी निकालकर पी ही रहा था कि बालकनी पर उसकी नजर पड़ी। वहां उसे हल्का धुआं दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा आगे देखा तो मंजू वहां बैठी हुई थी और उसने बीड़ी जला रखी थी। वो उसकी तरफ जाने ही लगा कि आखिर वो कर क्या रही है। तभी उसका फोन बजने लगा और रमेश का सारा ध्यान उसके फोन की तरफ चला गया कि आखिर इस टाइम उसे कौन फोन कर रहा है। फोन में देखा तो फोन लाइब्रेरी से था। उसने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर रोल नंबर 41। इतनी आवाज आते ही फोन कट गया। रमेश ने तभी
दोबारा बैक कॉल किया तो किसी ने भी उस तरफ से फोन नहीं उठाया। फिर रमेश अब वापस बालकनी की तरफ गया तो देखा कि मंजू अब वहां नहीं थी। अब रमेश ने फोन की टॉर्च ऑन करी और मंजू को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन मंजू उसे कहीं नहीं दिखी। फिर अचानक उसके दिमाग में ना जाने क्या आया, वो तभी छत पर चला गया और वहां जाकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। फिर उसने दोबारा छत की रेलिंग से नीचे बालकनी में झांक कर देखा तो देखा कि मंजू वहीं बैठी और कुछ बड़बड़ा रही है। ये देख रमेश भागता हुआ वापस नीचे घर में आ गया तो पाया कि मंजू वाकई में ही बालकनी में बैठी है। रमेश को बहुत गुस्सा आया और वो तभी चिल्लाकर बोला, अरे मंजू तुम यहाँ कभी वहां क्यों पागल बना रही हो मुझे। तभी मंजू का जवाब आया, हे टीचर हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत आ, समझा। रमेश समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो मंजू पर जोर से चिल्लाया, बंद करो अपना ये मजाक, इनफ इज इनफ। सुन ले टीचर, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। बाहर से आती इतनी आवाजों को सुनकर रमेश की बीवी भी बाहर आ गई। किस पर चिल्ला रहे हो तुम इतना? अरे ये मंजू कैसी कैसी बहकी हुई बातें कर रही है। तुम सच में पागल हो गए हो क्या? मंजू तो सुबह ही अपने गांव चली गई थी। रमेश को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा मंजू को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। रमेश की आंखों से अब नींद गायब हो चुकी थी। उसने सुबह उठते ही ट्रेन पकड़ी और मंजू के गांव उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि मंजू कल ही वहां आई थी और तब से बुखार से तड़प रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। जब रमेश ने मंजू के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दिन जब वो आई थी तो वो उस तालाब के पास गई थी जहां दो भाइयों की मौत हुई थी। गांव वालों को वो वहां बेहोश मिली थी और उसके बाद उसके बर्ताव में बहुत बदलाव आया, अकेली रोती रहती थी। और तब जब हमने बहुत दबाव डाला तो उसके अंदर से एक आवाज आई, पिताजी बहुत अकेला हूं मैं यहाँ। बस ऐसे ही काफी दिन उसका ऐसा बर्ताव हुआ। फिर अचानक वो शहर वापसी चली गई और फिर कोई बात नहीं हुई। और कल अचानक रात वो यहाँ वापस आ गई और तब से अब तक अनाप शनाप बोली जा रही है। अब उन्होंने गांव के एक मौलवी को घर बुला लिया था और उन्होंने कमरे में जाकर उससे पूछा, बता कौन है तू? मैं नवीन हूं, इसका भाई। ये तालाब पर आई थी तो मैं इसके साथ आ गया और अब मैं यही रहूंगा। उसके बाद मंजू ने रमेश की ओर देखते हुए बोला, और टीचर पहचाना, रोल नंबर 41। मौलवी साहब के आने के 2-3 घंटे बाद सब शांत हो गया था। अब मंजू ने शहर जाने से मना कर दिया था, लेकिन रमेश को ये तो समझ आ गया था कि मंजू का ऐसा बर्ताव क्यों हुआ था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि रोल नंबर 41 का क्या है। अब वो अपने शहर वापस आ गया था और आज भी रात को अपने फोन पर लेट नाइट आने वाले लाइब्रेरी से कॉल की वेट कर रहा था।
फिर जब रात को 2 बजे उसकी आंख लगने ही वाली थी, तभी रमेश का फोन बजा। फोन उठाने पर सामने से वही आवाज आई, सर रोल नंबर 41। अरे कौन हो तुम? मेरी क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं। मुझे परेशान करना बंद करो। सर, जब आप पढ़ाते हो आपकी नजर सामने बच्चों पर होती है और पीठ मेरी तरफ। इतना सुनते ही रमेश की सांस फूलने लगी और फोन कट गया। जब अगले दिन रमेश स्कूल पहुंचा और स्कूल के पुराने रजिस्टर्स में से रोल नंबर 41 को ढूंढने की कोशिश करी, तो तकरीबन 4 साल पहले के रजिस्टर में एक खुशी नाम की लड़की का रोल नंबर 41 था, जिसकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अचानक ही जून के महीने से वो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं हुई थी। ये सब रमेश को पागल कर रहा था। वो रोज के रोज उस फोन कॉल से पागल होने के कगार पर आकर खड़ा था। और फिर एक दिन जब स्कूल में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ, तो उस बोर्ड वाली दीवार को तोड़ा गया जिसमें से एक कंकाल सामने आया, और उसका डीएनए टेस्ट होने पर मालूम हुआ कि ये उस खुशी का कंकाल था। और फिर जब पुलिस ने जांच की, तो स्कूल में ही काम करने वाले 2 लड़कों के नाम सामने आए जिन्होंने ये किया था। उस दिन के बाद से रमेश को वो कॉल्स आने बंद हो गए, और अब वो हिटलर कहलाने वाला रमेश एक शांत आदमी बन चुका था।